पता नहीं कौन है पागल, इतनी बड़ी गाड़ी ही नहीं दिखाई दे रही है उसको। अरे तू एक सेकंड, तो विकास है ना जो हमारी क्लास में पढ़ता होता था? हाँ, और बता क्या चल रहा है आजकल? वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि हम सिर्फ एक क्लासमेट थे। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी। अरे मैं तो बस तेरे हालचाल के बारे में पूछ रहा था। तू बता, तेरे पास अभी भी वो साइकिल है जिसपे तेरे पापा तुझे छोड़ने आते थे स्कूल, या बेच के खा गया? अरे ऐसे क्यों बोल रही है यार, माना कि हमारे स्कूल में कोई अच्छी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन ऐसा बोलना तो सही नहीं है ना यार। तेरी ना औकात नहीं है मुझसे बात करने की। दो सेकंड में तुझे पूरा खरीद लूंगी मैं। जितने का तुम्हारे पास घर था ना, उससे महंगी तो हमारी गाड़ियाँ थी जिसपे मुझे स्कूल छोड़ने आते थे मेरे पापा। और आज देख, मेरे पास मेरी खुद की कंपनी है, और तू देख वही सड़कों पे घूम रहा है गरीब कहीं का। बस माई, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। हाँ हाँ ठीक है निकल, मुझे तो जैसे इससे शौक चढ़ा था बात करने का। अच्छी खासी डील के लिए जा रही थी, इस गरीब का मुंह देख लिया, पता नहीं डील होगी भी या नहीं होगी। अरे तू यहाँ पे भी आ गया? अब तो मुझे पक्का ही लग रहा है कि मेरी डील कैंसिल होने वाली है। बार बार तुम्हारा मनहूस चेहरा जो दिख रहा है, वैसे तू यहाँ पे कर क्या रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है तू यहाँ पे चपरासी की नौकरी करता होगा। ये ले पकड़ 500 रुपए, कुछ तो फायदा कर अपना, या ऐसे धरती पे बोझ बना रहेगा? ये ले पकड़, इसी बहाने तेरे घर पे चूल्हा तो जल जाएगा। चल ले ले पकड़, टिप समझ के ही रख ले। रहने दो, 500 रुपए की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही करवा दूंगा, लाओ दो। अच्छा 500 रुपए भी नहीं लेगा? मुझे लगता है तुझे यहाँ पे बढ़िया सैलरी मिल जाती होगी। चलो बढ़िया। अरे ये क्या किया तूने, पागल हो गया क्या तू? डील कैंसिल। तू डील कैंसिल करेगा मेरी? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेपर्स फाड़ने की? मैं अभी इस कंपनी के सीईओ को बुलाती हूँ और तेरी बैंड बजवाती हूँ, रुक जा। रहने दो, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ का ओनर हूँ। तू यहाँ का ओनर है और ये तेरी कंपनी है? हाँ, और मैंने ही तुम्हारी डील कैंसिल करी है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता जिन्हें इंसान की इज्जत नहीं करनी आती। पर हम तो स्कूल के दोस्त हैं ना। दोस्त? तुम तो इंसान को सिर्फ पैसों से जज करती हो। जो पैदल चलता है वो गरीब है, और जिसके पास गाड़ी है वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया है ना। सुनो, इंसान की इज्जत करना सीखो, पैसों की नहीं। समझ में आई बात? पर यार सुन तो लेना, मैं तेरे से माफी मांग रही हूँ, प्लीज सुन तो ले एक बार। नाउ गेट आउट। पर सुन ना यार। आई सेड गेट आउट।